नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके साथ जुड़ी हूँ, जिसका शीर्षक है दो सिर वाला जुलाहा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन जब एक चूल्हा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा, ताकि उसकी सहायता से वो अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूँगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, यह मेरा घर है, मैं तुम्हें इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर रहने वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला, मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाऊं, तुम मुझसे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी की सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्द ही अपनी पत्नी के पास गया और पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, जब तुम एक साथ दो कपड़े बुन सकोगे तो अपने हाथों की कौशल के बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, ऐसा ही करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे विश्वास है सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। जुलाहा लौटकर प्रीत के पास गया और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही एक और सिर उग आया, साथ ही दो अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने दो सिर और चार हाथ वाला मनुष्य देखा तो वह डर गए, वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मुक्तापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसलिए दोस्तों, दूसरों से सलाह लेने से पहले
अपने खुद की बुद्धिमत्ता पर विश्वास जरूर करना चाहिए और वही सलाह माननी चाहिए जो आपके लिए हितकर हो। तो इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय।